नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। चमोली में दो दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से शनिवार को गांव को जोड़ने वाला एक लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही रुक गई। इसके अलावा गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पीने का पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली ने राज्य के चिकित्सालय में पिछले 27 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा कार्यकर्तियों को पार्टी की ओर से समर्थन दिया। इस दौरान दीपक बाली ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि तत्काल इन आशा कार्यकर्तियों की मांगों को स्वीकार कर इनका आंदोलन समाप्त कराया जाए। काशीपुर में दिन में अच्छी धूप निकलने के बाद देर शाम अचानक मौसम में बदलाव आ गया, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से निजात मिल सका। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भी येलो अलर्ट जारी किया है। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक उनके बेटे मनीष की शादी 3 साल पहले वर्षा नाम की युवती से हुई और आए दिन दोनों में झगड़ा हुआ करता था। और 4 दिन पहले ही वर्षा का भाई अपने 3 दोस्तों के साथ उसके बेटे मनीष को अपने साथ ले गया, जिसके बाद आज उसका शव संदिग्ध हालत में मिला है। हरिद्वार के यूपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। साहब सिंह सैनी ने आरोप लगाया है कि 1 महीने पहले राजनीतिक द्वेष के चलते हरिद्वार में सैनी समाज के कुछ लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में भाजपा समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन को कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं दिख रहा है, लेकिन सैनी समाज के सामाजिक कार्यक्रम करने पर भी नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।